वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के ये छात्र बेहद गुस्से में हैं। कैंपस के भीतर हुई फायरिंग में इन छात्रों ने अपने एक साथी को खो दिया है। हम लोग 10 लोग वहाँ पे खड़े थे अपने छात्रावास के बाहर। और कितने लोग मतलब गोली मारे? एक लोग, दो लोग? वो फायरिंग तो 2-3 लोग पे किए, गौरव को मारे, फिर हमारे ऊपर भी फायरिंग किए। अब वहाँ पे 4-5 राउंड फायरिंग किए। बताया जाता है कि कल शाम करीब 6:30 बजे बिरला छात्रावास के बाद MCA की पढ़ाई कर रहे गौरव सिंह अपने साथियों के साथ खड़े थे, तभी कुछ युवकों ने वहां पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी गौरव को तुरंत BHU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। आज शाम को लगभग 6:30-7 के आसपास एक BHU का छात्र था गौरव सिंह, उसको गोली मार दी गई थी और उसको तत्काल पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लड़कों की आपसी रंजिश थी, इनमें कोई विवाद था, उसी को लेकर गोली मारी गई। MCA 4th सेमेस्टर के छात्र गौरव बिरला एक छात्रावास में रहते थे। BHU कैंपस में हत्या से छात्र बेहद गुस्से में हैं। गोली लगने की खबर मिलते ही छात्रों का हुजूम ट्रॉमा सेंटर के बाहर एकत्र हो गया। आक्रोशित छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ने से बचाने के लिए आसपास कई थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया है। गौरव सिंह के पिता राकेश सिंह भी BHU में ही बड़े बाबू के पद पर तैनात हैं। इस मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।